पंजाबी गुनाम दे विच वड्डी खबर निकल के आ रही इस वक्त की। हरियाणा सरकार ने हिरासत विच लए किसानां दी रिहाई लई 50,000 रुपए की जमानत मंगी है। इस ते पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार तो जवाब तलबी की है। हाई कोर्ट ने पुछिया है कि किसानां नूं छड्डण लई गंभीर अपराध दे दोषियां वांग इन्नी भारी जमानत क्यों मंगी जा रही है। अदालत ने हरियाणा सरकार तो यह भी पुछिया है कि किन्ने किसानां नूं हले तक छड्डिया गया। दस दिए कि पुलिस ने दिल्ली कूच कर रहे किसान ते कई मामले दर्ज करके हिरासत विच लै लिता है। हुण हरियाणा सरकार नूं 1 दसंबर नूं इस बारे जानकारी देनी होवेगी। शुक्रवार नूं सुनवाई दौरान हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट नूं दस्सिया कि पटिशनर ने जिन्हां 34 किसानां नूं हिरासत लैण दी गल कीती है उन्हां विचों सिर्फ 24 ही हिरासत विच लए गए ने। इन्हां विचों कईआं नूं छड्ड दित्ता गया। शुक्रवार नूं कई किसान हिरासत च लए गए ते किन्ने किसान रिहा कर दित्ते गए इस दी भी कोई जानकारी नहीं दित्ती जा रही है। अदालत ने सारी जानकारी अगली सुनवाई विच मंगी है। किसान यूनियन ने हाई कोर्ट विच पटीशन दायर कीती है जिस विच कहा गया है कि 26-27 नवंबर नूं दिल्ली विच प्रस्तावित प्रदर्शन लई किसान मार्च रोकण लई हरियाणा सरकार ने सोमवार तो किसान नेतावां नूं काबू कीता ते किसी भी अपराधिक घटना विच शामिल होण तो बिना किसानां दे घरां ते छापेमारी कीती गई। 100 तो वध किसान नेतावां नूं बिना कारण दे गिरफ्तार कर लिता गया जो पूरी तरह गैर संवैधानिक है। IG RK आर्या ने हाई कोर्ट विच खल्फिया बयान दिता है जिस विच किसानां बारे खुफिया रिपोर्टां दे आधार ते उन्हां नूं शांति बनाए रखण लई अते किसी अणसुखावणी घटना तों बचाउण वास्ते हिरासत दे अंदर लिता गया। पंजाबी खबरां दे विच इह सी वड्डी खबर। खबरां देखणियां सुणनियां पढ़नियां तां बने रहो आजिस वाला .com दे नाल।